वीडियो को लाइक करें, प्लम्बर हेल्पर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे को दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्लम्बर हेल्पर चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कंसल्ट सिस्टम फिटिंग कैसे की जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर सामने देखते होंगे, ये यहाँ पर वॉल माउंटेड सीट रखी हुई है और ये हमारी लगने वाली है। यहाँ पर हमने ये पॉइंट बना रखा है, हमने ये पहले डेल वाले को बुलाया था। डेल वाले से इसका फर्श का जितनी हाइट इसकी फर्श लेवल आएगा, फिर इसका फ्लोर जितना भी आएगा उस पर हमने इंसान लगवा रखा है और उससे 9.5 इंच के सेंटर पे ये पॉइंट बनाकर ये दीवार को लगा दिया है। अब हम इसके एक पॉइंट बाहर को निकालेंगे और ये कंसील सिस्टम में जाएगा और हम यहाँ पर पहले कंसील सिस्टम की फिटिंग करेंगे। इसके सारे पार्ट खोल करके, सब सारे पार्ट अलग निकाल करके और फिटिंग करके आपको दिखाएंगे। और इसका हमने पहले वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। आपको इसका लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। हमने इसका भी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है, आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। हमने ये इंडियन टॉयलेट में फ्लश वाल की फिटिंग कर रखी है, तो आप इसको भी देखते हैं। अब हम यहाँ पर सीखते हैं हिंदी बेर का कंसील सिस्टम फिटिंग कैसे की जाती है। आप ये वीडियो देखकर, मैं उम्मीद करता हूँ, बड़े ही उम्मीद के साथ कहता हूँ मैं, आप ये वीडियो देखकर आपके अंदर जो भी कन्फ्यूजन होगी कंसील सिस्टम फिटिंग के लिए, ये वीडियो देखकर आपके दिमाग में कोई भी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम इसके पुर्जे की जानकारी देने वाले हैं। जो मेरे पहले के सब्सक्राइबर हैं, जो मेरी वीडियो को देखते हैं, वो मुझे अच्छे से जानते हैं कि हम किस प्रकार की वीडियो बनाते हैं। हम कोई बीच में डाउट छोड़ते ही नहीं हैं, हम पूरा कंप्लीट और एकदम एक नंबर का वीडियो बनाते हैं ताकि लोगों को समझ में आए। तो हम यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हम कंसील सिस्टम को निकालते हैं और इसकी फिटिंग करते हैं। तो वीडियो बने रहें और लास्ट तक देखते रहें। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, इसमें निकला है इसका कवर बॉक्स और इसमें है ये एंड कैप और ये इसका पाइप हो गया और इसमें है ये एंगल वॉल और इसमें ये कंसील की ओरिंग, रबड़ बोलते हैं इसको, वो निकला है। इसके कटलॉग वगैरह आप चाहें तो इसको पढ़ करके इसकी अच्छी वाली फिटिंग कर सकते हैं। ये हो गया हमारा, इसको सेट कर देते हैं। अभी हो गया इसका लॉक पाइप, और यहाँ पर हो गया ये हमारा कंसील सिस्टम हिंदमेर कंपनी का। सबसे पहले आप समझ लीजिए इसको खोलने का तरीका। जैसा कि आप यहाँ पे देखते होंगे, इसको निकालना बहुत ही आसान होता है। दोस्तों, आप ये वीडियो पूरा कंप्लीट देख लीजिए, आप इसके सारे पुर्जे बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं और बड़े ही आसानी से फिट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो देखकर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, मैं उम्मीद के साथ, बहुत ही उम्मीद के साथ कहता हूँ। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर उंगली डालना है, इसको हल्का सा नीचे दबाना है और बाहर को ऐसे निकालना है और ये निकल जाता है। इसमें ये लॉक सिस्टम होता है, थोड़ा सा बस फंसाने का सिस्टम होता है और कुछ नहीं है। ये आपका निकल गया, दूसरा हो गया। आप ये इसको यहाँ से ऐसे पकड़ना है, हल्का सा बाहर की साइड में खींचना है ऐसे करके और थोड़ा सा ऊपर को उठाना है और ये यहाँ पे आप देख रहे हो, ये दो फंसे पड़े हुए हैं इसमें, जैसे हमारा फ्लश होता है, इसको ऐसे करके ये निकाल लेना है। ये हमारा निकल गया। दूसरा है इसमें कनेक्शन पाइप यहाँ पर फंसा हुआ है, आपको देखता होगा, इसको कनेक्शन पाइप को भी हम निकाल देते हैं यहाँ पर इस तरीका से। तो ये हमारा कनेक्शन पाइप निकल गया, यहाँ से हम खोल लेते हैं इसको, इसकी बॉल को ऊपर से। बॉल कॉक तक खुल गई है, हमारा कनेक्शन पाइप बाहर। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, बॉल कॉक को निकालना बहुत ही आसान होता है।
बस जो हमारे जो नए प्लम्बर भाई हैं वो कन्फ्यूज होते हैं कंसेशन में। आप ये वीडियो देखकर कहेंगे अरे भाई ये तो बहुत ही आसान था यार, हम तो खाली कन्फ्यूज रहते थे। इसके पार्ट बहुत ही आसान होते हैं निकालना, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप देखते होंगे ये लॉक सिस्टम है, इसमें कुछ फंसा हुआ है, बस ये कुछ नहीं करना है। इसको बस हल्का सा बाहर की साइड में निकालना है, इसको ऐसे करके ये वाला इसको थोड़ा सा ऊपर को ढक के ऐसे करके ये हमारा निकल गया। अब हम इसको निकाल लेते हैं अलग। ये हो गई हमारी बॉल को। इसमें क्या होता है कभी कभी कचरा फंस जाता है बॉल कोक में, तो इसको खोलने की जरूरत पड़ती है। बाकी की रही किट को खोलने की हमें जरूरत है नहीं। इसको अब हम देखते हैं, इसमें सबसे पहले एंगल वाल हम फिट करेंगे। यहाँ पर आप देखते होंगे इसमें ये प्लग लगा हुआ है, इसको कुछ नहीं करना है, नीचे से दबाना है ऊपर को तो ये निकल जाएगा हमारा। दूसरा हो गया, अब हम इसमें एंगल वाल को फिट करते हैं। एंगल वाल है हमारा ये रहा, इसमें दो इसके नट है प्लास्टिक की, एंगल वाल ये है हमारा, इसमें ये प्लग है, इसको हम हटा देते हैं ऐसे करके। और यहाँ पर आप देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर ये प्लास्टिक का एक नट इसमें चढ़ा हुआ है, इसको हम इस प्रकार से खोल देते हैं। ये खुल गया और ये नट आ गया बाहर। अब हम क्या करेंगे इसमें, इसको ऐसे करके इसमें फंसा देंगे, डाल देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल खाचा से खाचा मिला करके इसमें ये फंस गया, बिल्कुल फिक्स आ गया है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे इसको नीचे से इसमें टाइट कर देंगे, यहाँ से इसमें डाल करके ये आसानी से इसमें टाइट हो जाएगा। इसको दोस्तों हाथ से ही चढ़ा देना है, इस पर ज़्यादा कोई रिंच वगैरह लगाने की जरूरत नहीं रहती है। तो यहाँ पर हमारा ये एंगल वॉल फिट हो गया। अब हम आपको सारे पुर्जे इसके फिट करके दिखाते हैं। ये बॉल को हम लगा देते हैं, इसको इस तरीका से डालना है, थोड़ा टेढ़ा करके इसको डालना है। अरे यहाँ पर आप देख लीजिए थोड़ा पास है, ये जो खांचा है आप खांचा देखते होंगे, इसको इसमें अंदर को पुश कर देना है इस प्रकार से। तो हमारी लग चुकी है, अब हम इसमें कनेक्शन पाइप चढ़ा लेंगे। हमें इस खांचे में जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर एक फंसाने वाला है कनेक्शन पाइप को रोकने के लिए, लेकिन उन्होंने ये जुगाड़ दिया हुआ है तो हम इसमें इसको फंसा दिया हमने। और अब हम इसमें इसको टाइट कर देते हैं बॉल कॉक में। हमारा कनेक्शन पाइप टाइट हो गया है, अब हम इसको लगाएंगे। इसमें कुछ नहीं करना होता दोस्तों, फिटिंग में बहुत ही आसान होता है। ये आप ये देख रहे होंगे ये फ्लश करने के जो बटन है, इन दोनों को इन दो इसमें और इसमें फंसाना है पहले इस प्रकार से। ये हमारे दोनों इसमें फंस चुके हैं। अब ये वाले और ये वाला जो है उसको इसमें और इसमें फंसाना है इस प्रकार से। हमारा फंस गया, अब हम इसको नीचे दबा देंगे तो हमारा ये सिस्टम पूरा लग के कम्प्लीट। अब रह गया ये हमारा, ये रह गई प्लेट, इसको लगाने की जरूरत नहीं है। हम लगाएंगे इसका कवर ताकि जो मसाले वसाले से
मसाला जो भी होता है उसको अंदर ना जाने दें। ये हमारा कवर, ये कवर लगाने का आप बहुत ही आसानी के साथ में ये फिट गया। इसमें कोई पेंच वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। हिंदवेयर के कमरे में इन्होंने लॉक सिस्टम दिया हुआ है, ये बहुत ही आसानी के साथ इसमें फिट हो जाता है। जैसे कि आप ये यहाँ पर देखते होंगे, ये फंसाने का एक लॉक सिस्टम है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, और एक ये यहाँ पर है, और ये एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, और एक यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। और ये जो आप पत्ती देख रहे हैं, ये वाली और ये वाली पत्ती, ये इस खांचे में और इस खांचे में फंस जाएगी। तो हम इसको फिट करते हैं अभी। आप यहाँ पर देख लीजिए, हमें बिल्कुल इसको खांचे से खांचा मिला करके रखना है, इसको नीचे की साइड में पुश कर देना है। तो ये हमारा लॉन्ग कवर लग के पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा रह गया है इसमें पाइप, हम पाइप फिट करके भी आपको दिखाते हैं। अभी हमारा रह गया इसमें फिल बैंड पाइप लगाने के लिए। इसको फिल बैंड पाइप बोला जाता है, तो इसमें कुछ नहीं करना होता, वैसे इसको हमें इसमें रजिस्टर करके इसमें कुछ कर देना होता है, जो कि आसानी से इसमें बैठ जाता है। जैसे कि आप देखते हो यहाँ पर हमारा इसमें बिल्कुल आसानी से बैठ गया है। अब हम इसको प्लग कर देंगे, ऐसे करके प्लग भी हमारा आसानी से बैठ जाएगा। तो ये हमारा पूरा लगे कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें आपको एंगल लगा करके भी दिखा देते हैं। ये है हमारी जाली, पहले हम इसको जाली को लगा देंगे इसमें, उसके बाद दूसरा साइड को लगाएंगे। जाली को इसमें खाचा इसमें डाल करके ऐसे लगा लेंगे आराम से, और यहाँ से हम तार से इसको ऐसे टाइट करके बांध देंगे। और ये जो हमारा एंगल को की जगह है, इसको हम ब्रेड से थोड़ा सा इसको काट देंगे इस प्रकार से। यहाँ पर हमारा अब हम इसमें पहले एल्बो लगा लेते हैं, उसके बाद इसको जाली को फिट कर देंगे। हमारी यहाँ पर एल्बो भी लगती फिट हो चुकी है, तो ये कंप्लीट हो चुका है लगने के लिए, रेडी है वहाँ पर। इसका अगर नेक्स्ट वीडियो इसको लगा के फिटिंग करने का इसका तरीका हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ताकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका नेक्स्ट लगाने का तरीका हम पूरा, इसको कंपोर्ट वारंट सीट को भी लगाने का तरीका पूरा हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, कर दीजिए और हमारे प्लम्बर हेल्पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।